चुनावी मौसम में नेता वोटरों को अलग अलग तरह से लुभा रहे, उसी तरह से सामने आया था एक मामला जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का था। बड़े नाटकीय ढंग में दिखे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, स्टेज पर घूम घूम कर प्रचार कर रहे थे, जिसे लोगों ने बड़ा पसंद किया था, बिल्कुल फिल्मी अंदाज में। कुशीनगर में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया आए थे चुनावी सभा को संबोधित करने, तो वो किसी हीरो की तरह व्यवहार कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि एक हीरो जनता के बीच पहुँच चुका है, यही कॉन्फिडेंस नजर आया उनमें। तो आप भी देखिए किस तरह से योगी आदित्यनाथ के गढ़ में ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने आप को साबित कर रहे हैं और लोगों को भी साथ साथ संबोधित कर रहे हैं। बीच बीच में बोलते बोलते लोगों की तरफ माइक करते हैं और उनसे भी बोलने की अपील करते हैं। इसी बीच में मंच से उतरकर फिल्मी अंदाज में डायलॉग भी मारते दिख रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। और मेरे साथ में खड़ा हुआ ये राहुल गांधी का प्रत्याशी नहीं है, ये केवल राहुल गांधी का प्रत्याशी नहीं है, आप लोग पुलिस वाले सब पीछे हो जाओ, मेरी जनता है, मुझे उनके साथ जाना है। कांग्रेस का प्रत्याशी केवल नहीं, राहुल गांधी का प्रत्याशी केवल नहीं, लेकिन मैं मानता हूं कुशीनगर और इस खड्डा क्षेत्र की जन जन का प्रत्याशी आरपीएच शिक्षा जो मंच पे मेरे साथ में खड़े हुए हैं, चौपाल में, गांव के चौपाल पर पांच लोगों के साथ बैठकर कान में खुसर खुसर एक एक चौपाल पर जाकर कान में कहते हैं भैया माफ नहीं हुआ, माफ नहीं हुआ, माफ नहीं हुआ। एक एक गांव के चौपाल पर जाकर कहते हैं माफ नहीं हुआ, माफ नहीं हुआ, माफ नहीं हुआ। मुझे भी हो गए 15-17 साल इनको देखते हुए, और मैं जान गया हूं इनकी शैली में ही इनको जवाब देना होगा। अगले बार किसी गांव के चौपाल पर आएंगे जो कांग्रेस पार्टी ने कहा है कांग्रेस की सरकार केंद्र में बनेगी, हर किसान का कर्जा पूरे देश में माफ होगा। अगर भाजपा का नेता या कार्यकर्ता चौपाल पर आए और कहे उनके उसको कहना 15 लाख का क्या हुआ, क्या ठीक है कि नहीं, ठीक है। आंधियों की जिद हो, सुन लो, आंधियों की जिद हो, आंधियों की जिद हो जहां बिजलियां गिराने की, आंधियों का जिद हो हमारी भी जिद है आशियां वहीं बनाने की, आंधियों का जिद हो जहां बिजलियां गिराने की, हमारी भी जिद है आशियां वहीं बनाने की। अगर असूलों पर आंच आए, अगर असूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है, अगर असूलों पर आ जाए, अगर असूलों पर आ जाए, अरे मेरे खड्डा की जनता अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है।